Assalamu alaikum everyone, welcome back to School Management System Tutorials, and today is our 15th lecture. In the previous section we have seen a lot of things regarding school management system, aur maine kuch aur kaam bhi karke rakha hai. Let me show you first aur uske baad fir hum log aage continue karenge, theek hai? Pichli class mein waise hum logo ne time table ko kuch banane ki koshish ki thi aur usi ko fir hum aaj continue karenge, dekhenge. Let's start. मैंने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे. अगर आप यहाँ गौर करें तो मैंने एक विंडो और यहाँ पे बनाई है असाइनमेंट्स के नाम से. पिछली क्लास के अंदर हमने क्लास टाइमिंग्स को थोड़ा सा चेक किया था और उसके हिसाब से सिर्फ प्राइमरी सेक्शन का एक टाइम टेबल सेट किया था. बट अगर आप यहाँ गौर करें तो सिर्फ आप ये बता रहे हो कि प्राइमरी सेक्शन का पीरियड वन इतने बजे से इतने बजे होगा और फ्राइडे के दिन हमने थोड़ा सा सेपरेशन रखी थी काम की, ठीक है? लेकिन मैंने अभी यहाँ पे सेकेंडरी का डाटा एंटर नहीं किया. आप लोग कर लीजिएगा जब आप लोग काम करें, जब एक प्रॉपर काम स्टार्ट होगा तो फिर आप लोग इसमें सेकेंडरी का डाटा भी ऐड करेंगे और जो 9 मैट्रिक है उसके लिए भी डाटा ऐड करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम प्राइमरी के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है? 7 पीरियड्स हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं. बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पीरियड 1 पीरियड 2 3 4 तो आ रहे हैं, बट पीरियड 1 किसका है, पीरियड 2 किसका है, पीरियड 3 किसका है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है. तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा सेपरेट काम और करना पड़ेगा और वो काम मैंने यहाँ असाइनमेंट्स की विंडो एक बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है. और इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो मैंने फैकल्टी सेलेक्ट कराई हुई है. आई विल शो यू द कोड ऑफ द डेटाबेस. यहाँ पर सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो कि जिनका रोल फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, ठीक है? सिर्फ वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर. हालाँकि आपने स्टाफ का टेबल बनाया था उसमें रोल्स में जो है वो एडमिन भी था, मतलब प्रिंसिपल भी थे और प्यून वगैरह सब कुछ थे मौजूद, बट यहाँ सिर्फ वही लोग हैं जो कि फैकल्टी हैं. ओके, फैकल्टी आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी बेस्ड ऑन दिस सिलेक्शन. ये काम मैंने करके रखा है. मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे कोड क्या हो रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए. फैकल्टी आईडी यहाँ पर ये डिसेबल्ड है. मैंने क्यों मंगवाई है इसको, इसको इन्हें इसलिए मंगवाई है क्योंकि अगर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर 2 अली रजा एक साथ लिखे हुए हैं तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कौन सा वाला अली रजा कौन सा वाला है, सही है? तो आईडी तो सबकी डिफरेंट होगी, तो अगर 2 अली रजा भी होंगे तो जो जो एडमिन होगा या जो बंदा होगा जो भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा होगा वो इस चीज़ को देखकर आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा यूज़र है ये. ओके, नेक्स्ट इज द क्लास. ये देखें सारी क्लासेस मैंने यहाँ पर मंगवा ली हैं और क्लासेस के बाद पीरियड्स और पीरियड्स के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद दिन. ये क्या चीज़ है? ये विंडो मैंने असाइनमेंट के लिए बनाई है. दैट मींस कि इस फैकल्टी को ये वाली क्लास, ये वाला पीरियड, ये वाला सब्जेक्ट इस दिन को मिला है. ओके, सो वी हैव टू जनरेट दिस डेटा फॉर क्रिएटिंग आवर टाइम टेबल. अभी हम इस पोर्शन पे चल रहे हैं. जब टाइम टेबल जनरेट हो जाएगा फिर हम स्टूडेंट्स भी ऐड कराएंगे और जो क्लासेज हमारे पास मौजूद हैं, जो सेक्शन हमारे पास मौजूद हैं, उनके अंदर फिर उन स्टूडेंट्स को एडमिशन भी देंगे और उनके बाकी जो मामलात होते हैं, फीस वाउचर वगैरह और एडमिट कार्ड वगैरह, पूरे रोल नंबर वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इसी के ज़रिए काम करवाएंगे फिर आगे. तो हम लोग अभी फ़िलहाल एक सिम्प में चल रहे हैं, एक मॉड्यूल को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है? लेट मी शो यू द कोड कि ये काम मैंने किस तरीके से किया हुआ है. असाइनमेंट्स की ये विंडो बनाई थी मैंने. प्रोसेस वही था जैसे पीछे मैंने फॉलो किया है. इस विंडो को बनाने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो क्या किया, यहाँ पे इनहेरिटेंस करवा ली, जो कि हम करवाते हुए आए हैं, सही है? इनहेरिटेंस करवाने के बाद मैंने यहाँ पर वही दो, एक एडिट का वेरिएबल और एक माई डीबी डेटा कंटेक्स्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है. ये काम मैंने हर विंडो में पिछली विंडो में किया है, सही है? उसके बाद देखिए लोड लिस्ट. इस दफा लोड लिस्ट का मैथड जो है वो बढ़ रहा है मेरे पास. दिस मैथड इज इंक्रीजिंग क्योंकि इस दफा 1 फैकल्टी 2 क्लास 3 पीरियड एंड 4 सब्जेक्ट, 4 चीज़ें मुझे जो है वो डेटाबेस से मंगवानी थी. तो देखें इस कोड के ज़रिए मैंने क्या किया है, इस कोड के ज़रिए मैंने जो है वो यहाँ पर स्टाफ का डेटा मंगवाया है, लेकिन लिंक लगाते हुए मैंने यहाँ पर कौन सा वाला मंगवाया, अच्छा जॉइन भी लगा हुआ है. देखें पूरा SQL वाला जॉइन यहाँ लगा हुआ है इस क्वेरी के अंदर. इसको थोड़ा अगर मैं जूम आउट कर दूँ और फिर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो देखें, ठीक है, ये इस तरीके से. और इसको यहाँ पे और आगे लेकर जाएं, बल्कि इसको न्यू लाइन पे ले जाऊँ तो मैं ज़्यादा बेहतर होगा. अब देखें ज़रा और इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा. देखें वेरिएबल li
फ्रॉम एस एन, ये क्वेरी हमने पहले भी लगाई है बट दिस टाइम दिस वर्क इज न्यू. ज्वाइन टी इन ओबीजे डॉट रोल्स, मतलब स्टाफ के टेबल को किसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, रोल्स के साथ, और इसका वेरिएबल क्या बनाया मैंने, टी नाम, टी के नाम से बनाया है. ऑन एस डॉट रोल इक्वल्स टी डॉट, मतलब ये रोल आईडी है और ये भी रोल आईडी है, स्टाफ के टेबल में रोल आईडी और रोल के टेबल में रोल आईडी, ये वही मतलब है इसका, ठीक है ना. तो जिस तरह से एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन लगता है बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन लगाया हुआ है. वेयर फैकल्टी, वेयर रोल नेम इक्वल टू, तो जो भी फैकल्टी होंगे वो सारे के सारे उठ के आ रहे हैं और इस ड्रॉप डाउन में जा रहे हैं. इज दैट क्लियर सब लोगों को? अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ मैंने क्लासेस मंगवाई हुई हैं बट दीज आर सिंपल क्लासेस. तो क्लास की आईडी, क्लास का नाम, और यहाँ पर मैंने जो है वो ये कौन सी चीज़ मंगवाई हुई है, पीरियड्स मंगवाए हुए हैं, पीरियड आईडी, पीरियड का नाम, और फिर सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट का नाम, दैट्स इट. तो ये लोड लिस्ट का मेथड मेरे पास पेज लोड पे कॉल हो रहा है, सही है भाई, ये काम हुआ है इस विंडो के पीछे यहाँ पर अब तक. मूविंग फॉरवर्ड, तो ये डेटा जहाँ से आ रहा है, अच्छा, इन सब के टेक्स्ट सिलेक्शन चेंज पे मैंने जो है वो ये कोड भी लिखा हुआ है. बट यहां देखें एक चीज मैंने एडिशनली की है, वो ये है, ये क्या है भाई, देखें जीरो इंडेक्स पर सिलेक्शन के सिलेक्ट आपने रखा हुआ है, सिलेक्ट, सही है, सिलेक्ट भी तो लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट का या कॉम्बो बॉक्स का मेंबर ही है ना एक तरह से, सही है. और आपने पीछे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे हम लोगों ने ये एक तरह से हमारा ये लैकनेस थी या हमने ये चीज़ छोड़ दी थी कि हमने माइनस वन तो चेक कराया था कि सिलेक्टेड इंडेक्स अगर खाली ना हो तो अंदर आ जाओ, लेकिन हमने ये नहीं चेक कराया कि सिलेक्टेड इंडेक्स अगर जीरो के बराबर भी ना हो तो अंदर आना. भाई जीरो इंडेक्स के ऊपर तो सिलेक्ट का है ना वर्ड, आपने यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे क्या डलाया हुआ, ये देखें, सिलेक्ट, सिलेक्ट इज ऑफ नो यूज, मेरे किस काम का, मेरे लिए तो फिर वो फील्ड ब्लैंक ही हुई ना एक तरह से. तो मैंने इस वजह से यहाँ पर दो कंडीशंस लगाई हैं. पीछे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर जहाँ जहाँ आपको ये मसला दिखे आप वहाँ पर भी इसको सही कर लीजिएगा. क्लियर है सब लोगों को? तो फैकल्टी सिलेक्टेड इंडेक्स खाली भी नहीं होना चाहिए, सिलेक्टेड इंडेक्स जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो अंदर आना और फैकल्टी ड्रॉप डाउन में से जो उसकी आईडी है वो ले लेना, क्योंकि सिलेक्टेड वैल्यू, यहाँ देखे ना, ये जो फैकल्टी मेंबर आपने मंगाए हैं तो उसकी आईडी वैल्यू मेंबर में डलवाई हुई है आपने, तो इसको ही यहाँ पर मैंने ले लिया है सिलेक्टेड वैल्यू और फैकल्टी आईडी टेक्स्ट में दिखा दिया और एरर लेबल फॉल्स वरना एरर लेबल ट्रू, वही वैलिडेशन वाला कोड है ये, नीचे वही वैलिडेशन है पुरानी वाली, यहाँ पर पीरियड ड्रॉप डाउन में भी पुरानी वाली है और सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज सब्जेक्ट में भी पुरानी वाली है, क्लियर है. और नीचे आपके पास डेज ड्रॉप डाउन है, ये वाला लास्ट वाला डेज ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर डेज ड्रॉप डाउन पे भी एरर लेबल आपका लगा हुआ है. क्लियर है सब लोगों को? तो अब क्या है, आगे क्या काम हुआ हुआ है यहाँ पे, ये सारा डेटा जब आ गया तो यहाँ पे ग्रिड भी है, इस ग्रिड के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स बना के रखे हैं. कौन कौन से कॉलम्स हैं देख लें, असाइनमेंट आईडी, डे आईडी, डे, मतलब हर चीज जो मैंने वहां लिखी हुई है उनकी जो डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी है उन सब समेत मैंने यहाँ ये सारा डेटा मंगवा लिया. देखें, डे डे आईडी, क्लास क्लास आईडी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आईडी, पीरियड पीरियड आईडी, फैकल्टी फैकल्टी आईडी और असाइनमेंट आईडी और सीरियल नंबर. क्लियर है ये कहाँ किया हुआ है, ग्रिड में, और ग्रिड में जितनी भी आईडी वाले कॉलम है सबको हाइड किया हुआ है मैंने, इसीलिए वो दिख नहीं रहे, सही है भाई, क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, तो ये तो मेरा हो गया डिज़ाइन पार्ट. अब चलते हैं डेटाबेस की तरफ. तो डेटाबेस के अंदर मेरे पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, टेबल्स और असाइनमेंट्स, ये रहा. और यहाँ देखें ज़रा, ये टेबल मैंने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है. आप सब लोगों को टेबल बनाना आता है, आप इसी स्ट्रक्चर पे एक टेबल खुद से बना लें, ठीक है ना. अगर किसी को टेबल बनाना नहीं आता तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, उसमें हमने टेबल बनाने की क्वेरीज भी लिखी हुई है. तो ये मैं डायरेक्ट डायरेक्ट काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाने चाहिए कि अब आप ये काम खुद से कर सकें, ठीक है भाई. फिर भी किसी को ना समझ में आए तो प्लीज़ डू राइट मी, पूछ लीजिएगा. आगे चलते हैं. तो मैंने एक तो आईडी बनाई है जो कि प्राइमरी की है यहाँ पर, जो असाइनमेंट की इसकी टेबल की अपनी है, और बाकी सबको फॉरेन की बनाया है ताकि रिलेशनशिप्स बन जाएं. फॉरेन की बनाने के बाद यहाँ पर मैंने इनके जो है वो प्रोसीजर्स भी बनाए हैं. लेट मी शो यू स्टोर्ड प्रोसीजर्स.
सबसे पहले ही आपके सामने देखें डिलीट असाइनमेंट्स, इसको मैं ओपन कर लेता हूं ताकि आपको कोड दिख जाए। जूम इन, ये देखें ये डिलीट असाइनमेंट का कोड है, सिर्फ डिलीट कराया हुआ है वैसे ही जैसे प्रीवियस पहले डिलीट कराया है। गेट असाइनमेंट्स, ये रहा, दिस इज माई गेट असाइनमेंट कोड। और देखें मैंने यहाँ पे कितने सारे केसेस लगाए हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने एक और बेहतर अप्रोच इस्तेमाल की है। प्रीवियस किसी वीडियो के अंदर मैंने मंडे ट्यूसडे वगैरह जो है ना वही टाइमिंग वाली के अंदर मंडे ट्यूसडे इंसर्ट करवा दिया खुद से, बट दैट वॉज माई मिस्टेक। लेकिन उसको यहाँ पे मैंने करेक्ट किया है, आगे के काम में पीछे उसको भी आप सही कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, जो डेज है वहाँ पर, कहाँ पर, इधर इधर जो डेज हैं, कौन कौन से डेज हैं, सारे ही डेज हैं। मंडे यहाँ पर किसी इंडेक्स पे होगा, ट्यूसडे यहाँ किसी इंडेक्स पे होगा, थर्सडे वेडनेसडे सर सब यहाँ पे किसी ना किसी इंडेक्स पे है ना। और आपको पता है इंडेक्स जीरो से शुरू होती है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मंडे जीरो पर है, मंडे जीरो इंडेक्स पर है, और ट्यूसडे वन इंडेक्स पर है, फिर टू, फिर थ्री, तो संडे जो है वो सिक्स इंडेक्स पे होगा। ये बात क्लियर है? तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द होल डे मैंने उनकी इंडेक्स पोजिशन स्टोर करवा दी। तो भाई जीरो पे तो हमेशा मंडे ही होगा ना, वन पे तो हमेशा ट्यूसडे ही होगा, और इसी तरह से सिक्स पे हमेशा संडे ही होगा। ये बात क्लियर है? तो यही काम मैंने यहां कराया हुआ है। कहां कराया हुआ है कि अगर इंसर्टेड डेटा के अंदर जीरो आ जाए, वहां से जब जीरो आ जाए तो तुम मंडे दिखा देना, एल्स केस व्हेन डे इज इक्वल टू वन तो ट्यूसडे दिखा देना, वरना वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और जितने केस खोले थे उतनी दफा उनको एंड कर दिया यहां पे। नेस्टिंग, नेस्टेड केसेस, जिस तरह नेस्टेड इफ एल्स नेस्टेड स्विच केस होता है, ये वही है, तरतीब से करके रखा हुआ इसको। क्लियर है भाई सब लोगों को? आगे चलते हैं, फिर देखें, क्योंकि मैंने ज्वाइन लगाए हुए, कितने ज्वाइन लगाए हुए, वन टू थ्री फोर, क्यों चार ज्वाइन लगाए हुए, क्योंकि मुझे यहां चार चीजें चाहिए। जब डेटा मंगवाऊंगा तो इन चार चीजों को मुझे दिखाना है। मैंने तो आईडीज स्टोर कराई है इस टेबल में, तो उन आईडीज के बिहाफ पे उनका ओरिजिनल डेटा भी तो मंगाऊंगा ना, कि फैकल्टी आईडी बिहाफ पे फैकल्टी का नाम आ जाए, क्लास आईडी की बिहाफ पे क्लास का नाम आ जाए, और सब्जेक्ट की आईडी के बिहाफ पे सब्जेक्ट का नाम आ जाए, और क्या है, पीरियड की आईडी के बिहाफ पे पीरियड आ जाए। सही है? तो यही काम मैंने यहाँ किया हुआ है, ज्वाइन लगाया हुआ है, असाइनमेंट को ज्वाइन किया क्लासेस के साथ। तो क्लास के टेबल में जो क्लास आईडी है और असाइनमेंट के टेबल में जो क्लास आईडी है, उन दोनों को मैप करवा दिया यहाँ पे। इसी तरह पीरियड आईडी और असाइनमेंट के टेबल में पीरियड आईडी, सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट के टेबल की और असाइनमेंट के टेबल की सब्जेक्ट आईडी, और टेबल स्टाफ के टेबल की आईडी और मतलब फैकल्टी आईडी यहाँ से ली, और फैकल्टी आईडी असाइनमेंट। तो हर असाइनमेंट के जो कॉलम में मैंने फॉरिन की बनाई थी उसको यहाँ पे उनकी रिस्पेक्टिव प्राइमरी कीज के साथ ज्वाइन लगा दिया है, सिंपल। और वही सारा डेटा यहाँ पर फिर मंगवाया है मैंने। और ये जो मैंने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ये क्या है, ये एलियासेस हैं, इन्हीं के जरिए मैं इनके नामों और चीज़ों को कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट गेट असाइनमेंट्स। इसी तरह से आपके पास इंसर्ट असाइनमेंट्स भी हैं, ये रहा, लेट मी जूम इट। तो ये हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, सही है, वो इंसर्ट असाइनमेंट का जो टेबल है उसी के अंदर। आगे चलते हैं, और आपके पास जो है वो अपडेट असाइनमेंट्स भी है, वो है ये रहा, ठीक है भाई। तो ये अपडेट भी हो रहा है, डेटा सारा डेटा अपडेट करवाया हुआ है हमने। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? सबको क्लियर है ये बात? आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये सारा काम हो गया तो अब अगला काम हम लोग को क्या करते थे, हम अपनी माई डी बी एम ओपन करते थे। ओके, तो माई डी बी एम एल के अंदर आप देखें मैंने असाइनमेंट्स का टेबल यहां पे रखा हुआ है, और यहां असाइनमेंट के टेबल के अंदर आपके पास एक दो तीन और एक चौथा रिलेशनशिप भी होगा, इसका चार रिलेशनशिप्स इसके आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपके एक बेहतरीन ईआरडी डायग्राम बन रहा है यहां पे, सही ना, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, किस टेबल का किसके साथ रिलेशनशिप है। तो अच्छा, असाइनमेंट्स अब यहाँ देखें, डिलीट असाइनमेंट भी मैंने कहाँ से उठा के रख लिया, अपने सर्वर एक्सप्लोरर से रिफ्रेश करके, ये काम हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो वही सारे जो अभी मैंने आपको स्टोर प्रोसीजर्स दिखाए थे उन सबको उठा के यहाँ पे रख दिया है मैंने, एनी प्रॉब्लम? तो ये तो वो काम था जो मैंने आपके लिए पहले से करके रखा था, यहाँ पे मैंने आपको वो सारा का सारा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। अब आगे जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि इसमें डेटा सेव करवाना है। ये देखें, सेव के बटन के पीछे भी मैं वैलिडेशन लगा चुका हूँ सारी के सारी, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे आगे काम करना है, सही है? सो लेट्स डू इट।
कि किस तरीके से होगा ये काम। तो मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट्स की विंडो खोली हुई है और यहाँ पर देखें एल्स, इस एल्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस पूरे एल्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सब्जेक्ट की विंडो का एल्स कॉपी कर रहा हूँ मैं असाइनमेंट की विंडो के इफ के बाद, सही है। अब एडिट का वेरिएबल तो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस इज माय असाइनमेंट विंडो, ओके। एडिट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या रहेगा, एस टी अंडर स्कोर इंसर्ट असाइनमेंट्स, ओके इंसर्ट असाइनमेंट्स। और यहाँ पर क्या रहेगा भाई, ब्रैकेट ओपन करके देख लें, आपको नहीं पता तो क्या मांग रहा है, सबसे पहले क्लास आई डी, क्लास आई डी किस में है, इंटीजर में, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, क्लास ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड आइटम, सॉरी आई डी देनी है ना मुझे, तो सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि आई डी तो मैंने वैल्यू में डलवाई हुई है, एक डेटा डाल दिया आपने। अब क्या मांग रहा है, पीरियड आई डी, तो पीरियड आई डी कैसे आएगी, इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पेस्ट कर दें, और यहाँ क्या रहेगा, पीरियड ड्रॉप डाउन, दैट्स इट। क्योंकि हमने पीरियड के सिलेक्ट वैल्यू के अंदर भी पीरियड की आईडी रखी हुई है, उसके बाद क्या आएगा, कॉमा। अब क्या मांग रही है आपसे, सब्जेक्ट आईडी, तो सब्जेक्ट आईडी भी कैसे आएगी, बिल्कुल वैसे ही आएगी सब्जेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट से, सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आएगा एंड में, फैकल्टी आईडी है तो कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, और यहाँ क्या हो जाएगा, फैकल्टी ड्रॉप डाउन या स्टाफ ड्रॉप डाउन होगा, फैकल्टी ड्रॉप डाउन, यस फैकल्टी ड्रॉप डाउन के बाद इंडी एंड क्या है, डेज, और डेज देख लें किसमें, बाइट डेटा टाइप में, तो कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 16 कर लें, या टू बाइट भी होता है, तो यहाँ पर इंटीजर 16 में क्या डालेंगे आप, डेज ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, क्योंकि मैंने इंडेक्स ही तो डलवानी है डॉट। अच्छा वैसे सिलेक्टेड इंडेक्स क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, यस इट इज रिटर्निंग एन इंटीजर बट आई हैव टू प्रोवाइड इंटीजर 16। अच्छा देखें ये कह रहा है बाइट, तो आपको यहाँ पर बाइट देनी पड़ेगी, टू बाइट, सही है भाई। तो आपके पास ये डेटा इंसर्ट का आपने लिख लिया, जब ये हो गया तो अब असाइनमेंट यहाँ पे मैसेज क्या दिखाएं, हम मैसेज ये दिखाएंगे कि फैकल्टी का जो नाम है, सही है, फैकल्टी का जो नाम है वो असाइनमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऐसे लिख देते हैं एक मैसेज, सही है ना, इस तरह से कुछ मैसेज दिखा देते हैं। या तो ऐसे कर लो, फैकल्टी ड्रॉप डाउन डॉट टेक्स्ट प्लस हैज बीन असाइंड टू, अब यहां पे आप प्लस प्लस लगाएं, क्लास ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, सॉरी के लिखा हुआ आएगा अली रजा हैज बीन असाइंड टू दिस क्लास, और फॉर पीरियड, बल्कि फॉर और उसके बाद डबल कोट्स प्लस प्लस पीरियड ड्रॉप डाउन डॉट टेक्स्ट, क्योंकि उसमें तो पीरियड 1, 2, 3 लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये एक मैसेज जो है वो स्क्रीन के आपके पास आ जाएगा, और इसके बाद देखिए नीचे आपके पास मैसेज, मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन शो कराई हुई है कि पॉसिबल एरर्स, आर यू ट्राइंग टू ऐड द सेम सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास। अब अगर आपको याद हो, बल्कि याद तो नहीं होगा, खैर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये जो क्वेरी सारी बनाई के आपको दिखाई है ना, ये मैंने एक जगह सेव भी की थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, डॉक्यूमेंट्स और कहाँ सेव की थी इसको, अच्छा ये देखें मैंने एक फ़ाइल ओपन की है, ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए बना के रखी थी, ये वही सारी क्वेरीज हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है, बस इसमें जो मैंने नहीं दिखाई वो क्वेरी वो ये वाली है, दिस वन।
I have added a constraint. I have added a unique constraint, और उस constraint का मैंने नाम रखा है ये, सही है? और इसके अंदर मैंने faculty ID, days और period ID, इनको unique रखा है. That means कि अगर मैं एक दफा faculty ID उसी दिन में, फर्ज कर लो अली रजा मंडे वाले दिन और पीरियड नंबर वन, अगर मंडे वाले दिन अली रजा को पीरियड नंबर वन में दे दिया, डेटा इंसर्ट कर दिया, अब दोबारा मंडे वाले दिन अली रजा को पीरियड नंबर वन असाइन नहीं कर सकता मैं. क्लियर है ये बात? ठीक है. अच्छा, एक चीज यहां पे और भी हो सकती थी, दैट इज सब्जेक्ट. लेकिन मसला फिर यहां पर वो है कि पीरियड नंबर वन भले आप सब्जेक्ट बदल दो, पीरियड नंबर वन अगर आपने मंडे वाले दिन एक बंदे को असाइन कर दिया है, तो फिर आप सब्जेक्ट बदल देंगे तो कैसे पढ़ाएगा दो बंदा, एक ही बंदा दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक ही टाइम पर, तो नहीं हो सकता. तो दैट इज वाई मैंने इसको यूनिक रखा है यहाँ पे. तो होगा ये कि मुझे इस चीज की टेंशन अब खत्म हो गई है, जो भी सेम डेटा डालने की कोशिश करेगा तो डुप्लीकेशन का एरर आ जाएगा एसक्यूएल की तरफ से, सही है? तो ये जो मैंने कंस्ट्रेंट बनाया है, इसको मैं रन कर चुका हूं, देखिए मेरे टेबल पे बनाया हुआ ये कंस्ट्रेंट बनाने का तरीका है, ये भी आपको करना होगा. तो अब यहां पर मैं एरर, पॉसिबल एरर्स में क्या ऐसे लिख सकता हूं, आर यू ट्राइंग टू एड सेम फैकल्टी इन दिस क्लास एंड पीरियड, वहां पे तीन चीजें हैं ना, डेज एंड पीरियड है, सॉरी, आई ट्राइंग टू एड सेम फैकल्टी इन दिस डे एंड पीरियड, सही है? और नीचे मैंने मैसेज दिखाया हुआ क्या, कॉन्टैक्ट टेक्निकल सपोर्ट फॉर असिस्टेंस, क्लियर है? और नीचे अगर आप मैसेज दिखाना चाहें कि आप जो है वो सेम दिन पे सेम फैकल्टी को नहीं ऐड कर सकते, तो वो भी आप दिखा सकते हो, सही है ना? तो वो आप दिखा दीजिएगा. अच्छा, अब नीचे अपडेट का कोड है. फॉर अपडेट क्या आएगा यहाँ पे, st_update_assignments, ओपन द ब्रैकेट्स एंड इट इज आस्किंग मी दीज थिंग्स. सबसे पहले क्लास आईडी, तो क्लास आईडी तो ये रही, कॉपी कर लो, क्लास आईडी कॉपी कर ली, पेस्ट. फिर क्या मांग रहा है आपसे, पीरियड आईडी, तो पीरियड आईडी आपके पास है, ये रही, कॉपी कर लें. और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पीरियड आईडी. फिर अब क्या मांगा जा रहा है, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी आपके पास ये रही, कॉपी कर लें और यहाँ कर दें पेस्ट. अब क्या मांगा जा रहा है, कॉमा लगाएं, फैकल्टी आईडी, तो फैकल्टी आईडी आपके पास ये रही, गर्द ये कि वही सारा है, अपडेट का प्रोसीजर है लेकिन ये ठीक है. अब क्या मांगा जा रहा है आपसे, डे आईडी, तो डे के लिए मैंने यहाँ पर ये काम किया था, कॉपी कर लो और पेस्ट. और उसके बाद क्या मांगा जा रहा है आपसे, ए आईडी, असाइनमेंट आईडी, जो असाइनमेंट के टेबल की अपनी प्राइमरी की है, सही है? अब असाइनमेंट के टेबल की अपनी प्राइमरी की कहाँ से आएगी, जब मैं ग्रिड पे क्लिक करूंगा तभी तो आएगी ना. तो ग्रिड के क्लिक इवेंट पे चलते हैं, ये आ गए, देखें ये खाली है, यहाँ पे कोई कोड नहीं है इसके ग्रिड के क्लिक इवेंट पे. तो यहाँ पर आप कोड जनरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स के जाएंगे ग्रिड इवेंट पे, ये आ गया. इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, इसको कॉपी कर लें. ये ग्रिड क्लिक का कोड है, मैं लिख कर आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, आपको करना पड़ेगा बस, ये आप भी कॉपी पेस्ट कर लेना, आपके पास भी ये कोड हुआ हुआ तो होगा. तो मैंने असाइनमेंट्स की विंडो में वही कोड पेस्ट कर दिया है. तो एडेड इक्वल टू वन, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर, बल्कि वो असाइनमेंट बिग इंटीजर होगा. मैंने असाइनमेंट आईडी का जो डेटा टाइप रखी है वो बिग इंटीजर रखी है, नहीं इंटीजर है, ठीक है इंटीजर रखी है. तो यहाँ पर मैं इंटीजर असाइनमेंट आईडी के नाम से वेरिएबल बना चुका, यहाँ सब्जेक्ट आईडी के बजाय क्या रहेगा, असाइनमेंट आईडी. अब असाइनमेंट आईडी कहाँ से उठेगी, असाइनमेंट जीवी, एआईडी जीवी, ये आ गया. ये मैंने ग्रेड में कॉलम बनाया हुआ है और उसको यहाँ पे मैंने ले लिया, तो उस कॉलम में जो भी असाइनमेंट आईडी आएगी वो यहाँ इस वेरिएबल को मिल जाएगी. एनी प्रॉब्लम, सबको क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी चीज, जब यहाँ ग्रिड पे क्लिक होगा तो असाइनमेंट आईडी तो मिल गई वेरिएबल को, अब फैकल्टी दिखाना है. फैकल्टी कैसे दिखेगी, मैं यहाँ लिखूंगा, इन सबको हटा दें,
faculty drop down dot selected value equal to raw dot cells of faculty ID GV. Where is faculty ID GV? ये तो faculty ID text है. Faculty ID GV, FAC, FID GV तो नहीं रखा. हाँ ये रहा FID GV. तो ये मेरा grid का column है जिसमें faculty ID आएगी dot value. That's it. क्योंकि पीछे भी value है, selected value है ना ये, तो value पे value ही आएगी. कोई convert करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा उसके बाद क्या चीज़ है faculty के बाद? अच्छा फैकल्टी आईडी भी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सिलेक्शन चेंज पे वो काम हुआ है. क्लास क्लास ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू, और यहां से आप ये कोड ले लो. तो एफ आई डी जीवी के बजाय यहां पर आ जाएगा क्लास आईडी जीवी. ये रहा ओके. उसके बाद क्लास के बाद क्या है भाई? पीरियड ड्रॉप डाउन सिलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू दिस कोड, और यहां पर आ जाएगा आपके पास पीरियड आईडी जीवी. ये रहा, और इसको भी डबल कोट्स में डाल दें. फैकल्टी क्लास पीरियड सब्जेक्ट और डे भी है, तो सब्जेक्ट पेस्ट कर दिया इसको. यह आ जाएगा सब्जेक्ट आईडी जीवी, क्या नाम है सब आईडी जीवी, सब्जेक्ट आईडी जीवी. ये रहा, और सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन, राइट सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन सही है. अब आखिर में क्या बचा आपके पास? डे. तो डे में थोड़ा मामला मुख्तलिफ होगा. डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू, क्योंकि इंडेक्स मंगवाई हुई है हम, तो वहां पे इंडेक्स मंगवा रहे हैं. तो यहां पे क्या आ जाएगा? कन्वर्ट डॉट टू इंडेक्स है तो इंटीजर देना पड़ेगा इसको, बिल्कुल इंटीजर 16. और यहां पर आप दे दें, अच्छा 32 है इंडेक्स जो है ना, क्योंकि सिलेक्टेड इंडेक्स क्या मांग रहा है अपने अंदर? अगर मैं यहां दिखाऊं आपको तो ये इंटीजर मांग रहा है, तो इंटीजर के लिए इंटीजर ही देना पड़ेगा इधर. क्या ख्याल है? और इसको कॉपी कर लो और यहाँ दे दें आप ये, और यहाँ पे आप लिख दें डे आई डी जी वी. तो जो कि डे की आई डी होगी तो वो बेसिकली उसकी इंडेक्स ही होगी. डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, सही है भाई. तो जो भी अगर ज़ीरो आया होगा इधर, तो ज़ीरो के ऊपर सिलेक्ट इंडेक्स डेज की क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. तो मंडे दिख रहा होगा एंड ट्यूजडे दिख रहा होगा, ठीक है ना. तो सेल पे क्लिक करने पर आपके पास असाइनमेंट आई डी आ रही है. तो आप जो यहां अपडेट असाइनमेंट के अंदर थे, एंड में आप क्या दोगे इधर? असाइनमेंट आईडी. सो दिस इज व्हाट हाउ वी गट द असाइनमेंट आईडी. सो मेरा डेटा अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने के बाद मैसेज यहां पर भी चेंज होगा, और मैसेज जो चेंज होगा वो ये होगा. ये पूरा कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहां पर इस मैसेज को हम पेस्ट कर देते हैं, और यहां पर कर देते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली. सही है, इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद रीसेट करवा दिया, और रीसेट करवाने के बाद लोड डेटा का कोड चल रहा है आपके पास. लोड डेटा का कोड इधर भी चल रहा है आपके पास. लोड डेटा के मेथड में क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है जो हमारा डेटा डेटाबेस से उठ के आ रहा है. सही है, ये सारा काम होने के बाद इंसर्ट अपडेट हो गया. अब व्यू बटन पर भी क्या होगा? लोड डेटा होगा, सेव इट. डिलीट बटन पर तो यहाँ पर आ जाए, काम हुआ हुआ है हमारे पास डिलीट का भी. ये रहा डिलीट, कॉपी कर लें इसको, कॉपी इट, और कहाँ गया असाइनमेंट्स, यहाँ पर पेस्ट कर दें. आई श्योर यू वांट टू डिलीट, तो और यहाँ से इसको हटा दें. आई श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है, एक मैसेज दिखा दिया डिलीट असाइनमेंट, ऐसे कर लें. आई श्योर यू वांट टू डिलीट असाइनमेंट, ठीक है. और अगर वो यस करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असाइनमेंट आई डी, और ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? डिलीट असाइनमेंट, सही है. और सब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसके बजाय मैसेज क्या दिखेगा?
के असाइनमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, सही है, ये एक मैसेज आ जाएगा, उसके बाद डिसेबल और उसके बाद दोबारा से लोड डेटा, दैट्स इट। सर्च अभी हमने नहीं करवाना और बाकी सारा काम वही है। सो लेट्स स्टार्ट एंड चेक इज इट वर्किंग करेक्टली और नॉट। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, असाइनमेंट्स, और आपके पास, अच्छा एक चीज़ मसला है, बाय डिफॉल्ट ये सब इनेबल्ड हैं, इन सबको डिसेबल करना होगा। लेट मी डू दैट। तो ये जितने भी हैं इन सबको मैं इनेबल्ड फॉल्स कर रहा हूँ, सही है, इनेबल्ड फॉल्स कर दिया। अच्छा क्लास पीरियड सब्जेक्ट, इन सबको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर रहा हूँ मैं, ड्रॉप डाउन स्टाइल में ड्रॉप डाउन लिस्ट, ताकि इन पे क्लिक ना हो, मतलब इन पे मैं टाइप ना कर सकूँ, सर्च वर्च तो मुझे भी कराना नहीं ना इसमें। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरा ऐड का बटन है ना इधर, इस ऐड के बटन के ऊपर मैं चलता हूँ आपको लेकर। ऐड का बटन आपके पास कहाँ है, ये रहा। एक चीज़ यहाँ गौर करें आप, ये मैंने कोड यहाँ पे एक्स्ट्रा किया हुआ है, क्यों, बिकॉज ये मैंने जो फैकल्टी आईडी टेक्स्ट है ना इसको इनेबल फॉल्स किया हुआ है, ये वाला टेक्स्ट। भाई ऐड के बटन पे तो हम सबको इनेबल करवा रहे होते हैं, तो सब इनेबल जब हो जाएंगे तो फिर इसको अलग से मैंने फॉल्स करा दिया है ताकि ये डिसेबल्ड ही रहे, सही है भाई, क्लियर है सब लोगों को। चलो स्टार्ट, लॉग इन, असाइनमेंट्स, ऐड, सही है भाई, तो ये डेटा आ रहा है आपके पास। सिलेक्ट पे भी एरर नहीं हटेगा, लेकिन अलीदा करूंगा तो एरर हट जाएगा, ठीक है, और सिलेक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा सिलेक्ट अगर हो तो यहाँ पर ये क्लियर भी हो रहा है, ये भी चीज़ आपने देखनी है, ठीक है ना, ये भी कर लीजिएगा। तो खैर अली रज़ा, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अली रज़ा को मैं दे रहा हूँ क्लास वन, और पीरियड जो है वो ये है वन, और सब्जेक्ट जो है वो आपके पास है इंग्लिश, और डे जो है वो आपके पास है मंडे। सो यहाँ पर आप कोई लूप नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप कोई मामलात नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम टेबल इज डिफरेंट ऑल फॉर ऑल टीचर्स विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर डेज, सही है भाई। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने एक टाइम टेबल जनरेट करना है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने हैं और उसके बाद इसको सेव करना है। तो फिलहाल मैं चले अली रज़ा को क्लास वन दे रहा हूँ, पीरियड वन दे रहा हूँ, और इंग्लिश और मंडे को ये दिन होगा सेव। क्या कह रहा है, अली रज़ा हैज़ बीन असाइन टू क्लास वन, मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया हुआ, फॉर पीरियड वन एडिट सक्सेसफुली, एडिट सक्सेसफुली हटा दें, ज़रूरत नहीं है उसकी वैसे, सही है भाई, हैज़ बीन असाइंड तक काफ़ी है, ओके। तो देखें यहाँ पे ये सारा मामला हो रहा है, लेकिन पीरियड में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मैपिंग सही नहीं हो रही पीरियड की। यहाँ क्लिक करेंगे, सारा डेटा आ रहा है, हाँ सारा डेटा जमा हो रहा है, कोई मसला नहीं है। एडिट करेंगे तो एडिट भी हो रहा है, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से अली रज़ा के बजाय इसको शाहरुख कर दूँ, सेव कर दूँ, तो अपडेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्लियर है भाई सब लोगों को। अच्छा एडिट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, और यहाँ से अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो असाइनमेंट डिलीट भी हो रही है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इस बारे में कि मैं एक पूरा टाइम टेबल जनरेट करवा लूँगा यहाँ पर, कि जो जो मेरे उसूल मैं बनाऊँगा उन्हीं के ऊपर मैं टाइम टेबल का डेटा यहाँ पे ऐड करवा लूँगा। तो आप लोग भी अपने पास ये ऐड करवा लीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।